दसवीं और बारहवीं छात्र बहुत चिंतित है अपने रिजल्ट को लेकर, क्योंकि रिजल्ट की तिथि है ना तो वो डिक्लेयर हुई है ना दोस्तों बारहवीं क्लास का फॉर्मूला तैयार हुआ है। इसी बीच दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है, एमपी बोर्ड को कड़े आदेश दिए हैं और छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। पूरी की पूरी अपडेट दोस्तों यहाँ पे विस्तार पूर्वक मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं दैनिक भास्कर की बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पे आई हुई है, 2 घंटे पहले की अपडेट है, जिसमें बताया गया कि बारहवीं की परीक्षा पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से कहा, मतलब कि उन राज्यों से कहा जिनका अभी कुछ भी अता पता नहीं है, जिसमें एमपी बोर्ड भी शामिल है। इसमें बताया गया है 31 जुलाई तक रिजल्ट घोषित करे, 10 दिन में इंटरनल असेसमेंट तैयार करे। आगे बताया गया है दोस्तों राज्यों में समान असेसमेंट स्कीम संभव नहीं है, राज्य और उनके शिक्षा बोर्ड अपनी नीति बनाने के लिए स्वतंत्र है, इसलिए उनके अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों फैसला है। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को राज्य बोर्ड की परीक्षा बारहवीं की परीक्षा रद्द कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सभी राज्य शिक्षा बोर्डों को निर्देश दिया कि वे 31 जुलाई तक बारहवीं की कक्षा का रिजल्ट घोषित करें, साथ ही कोर्ट ने उन्हें 10 दिन में इंटरनल असेसमेंट स्कीम तैयार करने के लिए कहा है। इससे पहले कोर्ट ने पूरे भारत में सभी राज्यों के बोर्ड को लिए असेसमेंट की एक जैसी स्कीम बनाने के संबंध में आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्य और उनके बोर्ड अपनी नीति बनाने को स्वतंत्र स्वायत्त है, इसलिए उनके अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं देंगे। याचिका में दोस्तों क्या क्या मांग हुई इसमें बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट अनुभा सहाय श्रीवास्तव ने याचिका लगाकर मांग की थी राज्य बोर्ड की बारहवीं परीक्षा की याचिका पर रोक लगा दी जाए। याचिका लंबे समय से लंबित थी। इस दौरान कई राज्यों ने परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया। 6 राज्यों में बारहवीं की परीक्षा पहले ही हो चुके थे, सिर्फ आंध्र प्रदेश में जुलाई में परीक्षा कराने की तैयारी की जा रही थी। ऐसे में याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से मांग की सभी परीक्षा को रद्द करके असेसमेंट की एक जैसी स्कीम बनाने के संबंध में आदेश जारी किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे स्टेट जैसे हैं कि जिनका अभी तक इंटरनल असेसमेंट तैयार नहीं हुआ है, उसी को लेके दोस्तों यहाँ पे फाइनली यहाँ पे बोर्ड ने, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल एक बिल्कुल दे दिया है, निर्देश दे दिया है कि अभी आपको कि 31 जुलाई तक रिजल्ट हर हाल में घोषित करना है। दोस्तों यहाँ पे जितने भी राज्य बचे हुए जिन्होंने अभी तक इंटरनल असेसमेंट स्कीम लागू नहीं की है, वो किस प्रकार से बच्चों को पास करने वाले हैं, विद इन 7-8 डेज उनको करना है तैयार। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने सुबह वाली वीडियो में बताया था कि 28 तारीख तक आपका एमपी बोर्ड का पूरा नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे जारी हो जाएगा। सीएम मुख्यमंत्री जो हमारे हैं इंदर सिंह परमार, वो इसको यहाँ पे निर्धारण करेंगे इसका कि किस प्रकार से आपका रिजल्ट तैयार होना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आपके हित में आ चुका है, वहाँ पे बता दिया गया कि 10 दिन के अंदर इंटरनल स्कीम जो है वो तैयार करके पेश करें। तो फ्रेंड्स ये थी आज की बड़ी अपडेट। अपडेट कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद जय भारत।